हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं आकाश ठाकुर और आप देख रहे हैं कंप्यूटर मंथन बाय आकाश। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की पिछली वीडियो में हमने जाना था होम टैब के बारे में। होम टैब के सभी फंक्शनों के बारे में मैंने कंप्लीट से आपको जानकारी दे दी थी। आज हम जानेंगे इंसर्ट टैब के बारे में। इंसर्ट टैब, तो देखिए, करते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट। ये देखिए, ये है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। पहले मैंने आपको होम टैब में ये कट करना, कॉपी करना, पेस्ट करना, फॉन्ट ब्लॉक का सभी ग्राफ ब्लॉक, स्टाइल ब्लॉक और एडिटिंग ब्लॉक के बारे में आपको पूरी जानकारी दे दी है। जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है, पार्ट वन पार्ट टू, तो वो पिछली वीडियो को देख लें और उसके बाद में आप इस थर्ड वीडियो को देखें। देखिए, अब हम चलते हैं इंसर्ट में, इंसर्ट टैब में। ये है इंसर्ट, देखिए इंसर्ट, और इस पर क्लिक करता हूं मैं। और देखिए, सबसे पहले आपको मिलेगा यहाँ पे कवर पेज बनाना। कवर पेज कैसे हम बनाएंगे, देखिए इस पे क्लिक करता हूं मैं। अब देखो दोस्तों, कवर पेज यहाँ पे एमएस वर्ड में पहले से इनबिल्ड होते हैं। अगर आपके पास में इतना टाइम नहीं है कि आप कवर पेज बनाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से ले सकते हैं कवर पेज को। सबसे पहले दिया हुआ है यहाँ पे कवर पेज, कवर पेज लेना। देखिए, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे कई सारे पेज नजर आ जाएंगे। ये देखिए, ये पहले से बने बनाए कवर पेज है। आप इन फाइलों पे, अपनी फाइल पे इनको ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, ये अलग अलग टाइप के पेज हैं। इसको थोड़ा मैं स्क्रॉल करूंगा तो आपको और भी कई सारे कवर पेज मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपके पास में समय नहीं है, आप इन ये जो कवर पेज देख रहे हैं, आप इनमें से ही कोई कवर पेज लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। सबसे पहले देखो, मैं इसको इंसर्ट करके दिखाता हूँ। मैंने इस पर क्लिक किया और देखिए, ये ऑटोमेटिक वही कवर पेज आ चुका है। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ पेज को। ये देखिए, हमारे पूरे कवर पेज हमारा डिजाइन हो चुका ऑटोमेटिक। अब हम यहाँ से एडिट कर लेंगे। जैसे हम कंप्यूटर के नोट्स बना रहे हैं, तो यहाँ डाल दूंगा मैं कंप्यूटर नोट्स। तो इस टाइप से हमको पहले से बना बनाया कवर पेज मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज पे क्लिक कर देंगे तो हमको एक नया पेज मिल जाएगा। ये देखिए, मैंने क्लिक किया और ये ब्लैंक पेज आ चुका है। तो यहाँ से हम कवर पेज इंसर्ट कर सकते हैं, ब्लैंक पेज इंसर्ट कर सकते हैं और पेज ब्रेक भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ पेज को, और यहाँ पे एक पैराग्राफ लेते हैं। और अब मैं इस पेज को ब्रेक करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसके यहाँ से दो टुकड़े हो जाएं यहाँ से। तो मैं जाऊंगा पेज ब्रेक में यहाँ पे, और यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। तो देखिए, ये वाला पैराग्राफ यहीं पे है और जो पेज ब्रेक हो चुका है, दो पार्टों में डिवाइड हो चुका है पेज, और हमारा जो पैराग्राफ था उस कर्सर से नीचे, वो सेकंड पेज पे आ चुका है। उसके बाद में दोस्तों, हम जानेंगे टेबल इंसर्ट करना। अब देखिए, इसको मैं कंट्रोल ए करता हूँ और डिलीट कर देता हूँ। ये देखिए, टेबल इंसर्ट करना। तो हमको इंसर्ट में मिलेगा टेबल, टेबल पे क्लिक करेंगे। और देखिए, पहला तरीका है टेबल इंसर्ट करने का। यहाँ से हम जितने भी कॉलम और जितनी रो लेना चाहते हैं, वो ऐसे ले सकते हैं। ये देखिए, मैंने ये इंसर्ट कर लिया, टेबल टेबल आ चुका है। ये हमारे यहाँ से लेके और यहाँ तक आया है। ये जो मार्जिन का एरिया है, ये इसने छोड़ दिया। अगर आप चाहते हैं बिल्कुल पेज में यहाँ से आए, तो आप पेज का मार्जिन कम कर लीजिए। देखिए, ये टेबल इंसर्ट हो चुका है। ये होती है कॉलम, ये कॉलम है, और ये होती है रो, ये रो है, और ये एक बॉक्स होता है सेल। ये मैंने दो सेल सेलेक्ट किए। तो दोस्तों, ये आपको ये बात याद रखनी है, ये कॉलम होते हैं और ये होती है रो। ये टेबल इंसर्ट हो चुका है। अब देखिए, दूसरा तरीका क्या है टेबल इंसर्ट करने का। हम फिर से इंसर्ट में जाएंगे, और इंसर्ट में जाने के बाद में हमको यहाँ पे टेबल के इस डाउन एरो पे क्लिक करना होगा, और यहाँ मिलेगा आपको टेबल इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल में क्लिक करेंगे। अब देखिए, ये विंडो खुली है। इस विंडो को हम समझते हैं। ये देखिए, इसमें बोल रहा है नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ कॉलम मतलब टेबल के आप जितने भी कॉलम रखना चाहते हैं, उनकी संख्या यहाँ पे एंटर कर दें, और नंबर ऑफ रो, जितनी रो एंटर करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे एंटर कर दें। जैसे मैं यहाँ पे एंटर करूंगा 10, सॉरी यहाँ पे 6 रखता हूँ मैं कॉलमों की संख्या, और रो की संख्या रखता हूँ मैं 15, और इस पे ओके पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए, जैसे ही हम ओके पे क्लिक करेंगे, तो हमारा टेबल जहां से हमारा कर्सर है वहां से आना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, टेबल इंसर्ट एक बार में हो जाएगा, 6 कॉलम का और 15 रो का। ये देखिए, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। तो देखिए, 6 कॉलम का टेबल 1 मिनट में इंसर्ट हो चुका है। ये देखिए, ये कॉलम है और ये होती है रो। तो ये था दूसरा तरीका टेबल इंसर्ट करने का। अब देखिए, एक और हमारे पास में तरीका है। इंसर्ट में जाएंगे, और इंसर्ट में जाने के बाद टेबल में जाएंगे। अब आपको मिलेगा यहाँ पे एक्सेल स्प्रेडशीट। अगर आप कोई एक्सेल में टेबल बनाना, क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। एक्सेल पे मैंने क्लिक किया, और यहाँ मैं कुछ कैलकुलेशन भी करना चाहता हूँ, तो वो भी हम कर लेंगे।
देखिए यहाँ पे मैंने डाला, जैसे कुछ नंबर डाले मैंने 55, 44, 33, इनका मुझे टोटल भी लाना है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला से टोटल कर लेंगे और फिर उसको हम अपने वर्ड में ले आएंगे। तो ये भी एक तरीका है, ये देखो इसको बोल्ड कर देता हूं मैं। ये हमने अब इसमें पूरा फिल कर लीजिए, पहले आप इसमें टेबल बना लीजिए और इसको बाहर क्लिक कर दीजिए। तो देखो आपका टेबल आ चुका है, ठीक है। इसको डिलीट करना चाहें तो आप डिलीट बटन पर प्रेस करके डिलीट कर सकते हैं। अब फिर से मैं टेबल में गया और देखिए एक सबसे और हमारे पास में ऑप्शन है ड्रॉ टेबल का। ड्रॉ टेबल पे हम जाके क्लिक करेंगे तो हमको यहाँ पे पेंसिल मिल जाएगी। तो पेंसिल से हम जैसा भी टेबल ड्रॉ करना चाहते हैं वो टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए मैंने ये ड्रॉ किया, तो देखिए ये टेबल आ चुका है। और इसमें जितने भी कॉलम रखने कॉलम रख सकते हैं, ये देखिए इस टाइप से ये ड्रॉ हो चुका है टेबल। ये देखो कंट्रोल जेड कर लेंगे, कोई गलती हो जाएगी तो कंट्रोल जेड किया मैंने। अब मुझे ये वाला जो रो है ये इसका साइज बड़ा रखना था, तो हम ड्रॉ करके कर सकते हैं। अब देखिए कंट्रोल ए किया मैंने और इसको कर दिया डिलीट। अब देखो यहाँ पे मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ, टेबल में जाएंगे और ड्रॉ टेबल पे क्लिक करेंगे। देखिए ये मैंने टेबल बनाया और मैं चाहता हूँ कि पहला जो रो है वो इतनी रहे और उसके बाद में इस टाइप से टेबल ड्रॉ हो, तीन बॉक्स हो इसमें और इस टाइप से। तो देखो जैसे हम बनाना चाहते हैं ऐसे बना सकते हैं, ये टेबल ड्रॉ हो चुका है, ठीक है। उसके बाद में देखिए अब है दोस्तों यहाँ पे क्यूक टेबल। क्यूक टेबल में ये अलग अलग हमको कुछ पहले से बने हुए फॉर्मेट हैं टेबल के, आप इनको भी अपनी फाइल में इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कैलेंडर से रिलेटेड कोई फॉर्मेट चाहते हैं आप तो आप इस पर क्लिक कर दें, ये फाइल में आ जाएगा। जैसे मैं कर्सर रखता हूँ यहाँ पे और एंटर किया मैंने और देखो मैं गया टेबल में और क्यूक टेबल पे क्लिक किया और ये वाला मैंने इंसर्ट कर लिया। तो देख सकते हैं ये आ चुका है। तो ये तो था टेबल इंसर्ट करना। उसके बाद में टेबल की पूरी सेटिंग है। अब देखिए टेबल के जैसे ही हमने टेबल ड्रॉ किया तो हमारे पास में ये सेटिंग आ जाती है, डिजाइन और लेआउट। डिजाइन डिजाइन में कई सारे ऑप्शन है, आप यहाँ को यहाँ डिजाइनिंग मिल जाती है और यहाँ सेटिंग मिल जाती है, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा पार्ट टू में। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।